Hello and welcome back to this channel. Dear students, today's topic is Barkhausen criteria, Weinbridge and phase shift oscillators. This is the last topic as far as unit number 2 of electronic circuit subject is concerned. And this is the most important topic. There are some announcements. If you want a quick revision video, please let me know in the comment section so that I can upload those quick revision videos for this subject. And another thing is, I have already uploaded all the videos related to unit number 1 and 2 for the subject electrical circuit. So please do watch those videos. Without wasting the time, let us start the session. As I said, this is the most important topic. So first part is Barkhausen criteria. Before discussing this criteria, let us define one term, oscillator. Basically, oscillator is an electronic circuit that produces oscillations. Matlab, output mein इस टाइप का वेवफॉर्म जनरेट होगा. दिस इज कॉल्ड ऑसुलेशंस, रादर इट इज कॉल्ड सस्टेन्ड ऑसुलेशंस. मतलब ये ऑसुलेशन जीरो नहीं होना चाहिए, इट शुड कंटिन्यूअसली कीप ऑन जनरेटिंग द वेवफॉर्म. सो दिस इज कॉल्ड सस्टेन्ड ऑसुलेशन. सो इट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट जनरेट्स सस्टेन्ड ऑसुलेशंस एट द आउटपुट विदाउट अप्लाइंग एनी इनपुट. मतलब इनपुट अप्लाई नहीं करना है और सिर्फ फीडबैक लेके सस्टेन्ड ऑसुलेशंस प्रोड्यूस करने हैं आउटपुट में. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑसुलेटर इन अनदर लैंग्वेज. व्हाटएवर एम्पलीफायर वी डिस्कस्ड अर्लियर, अगर आप एम्पलीफायर को पॉजिटिव फीडबैक देंगे और इनपुट जीरो करेंगे, देन एम्पलीफायर मे वर्क एज ऑसुलेटर. बट टू वर्क एम्पलीफायर एज एन ऑसुलेटर, व्हाट कंडीशंस आई सेड, देयर शुड बी पॉजिटिव फीडबैक एंड देर शुड नॉट बी एनी इनपुट. मतलब इनपुट शुड बी जीरो, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वॉन्ट टू मेक यूज ऑफ एम्पलीफायर एज एन ऑसुलेटर, देन सर्टन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, दैट इज कॉल्ड Barkhausen क्राइटेरिया और Barkhausen कंडीशन. बिफोर डिस्कसिंग दिस कंडीशन, लेट अस डिस्कस दिस सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन ऑसुलेटर. इनपुट वोल्टेज Vs है जो हमें जीरो अप्लाई करना है. दिस इज द मिक्सर डिवाइस, यहां प्लस लिखा है, मतलब इट इज अ पॉजिटिव फीडबैक, ये फीडबैक पाथ है. दिस इज द ब्लॉक फॉर फीडबैक एलिमेंट. बीटा इज द गेन फॉर द फीडबैक एलिमेंट. ये एम्पलीफायर है हुज ओपन लूप गेन इज डिनोटेड बाय ए. वी जीरो इज द आउटपुट वोल्टेज. नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज दैट इज वी जीरो एज ए इंटू वी आई. A is the open loop gain, V0 is the output, Vi is the input applied to this amplifier. Say equation number 1. Now, the equation of Vi, matlab ye jo equation hai, this is basically a Vf. Vf is the feedback voltage plus Vs. Vs hame pata hai, baad mein 0 apply karna hai. Presently, I will write it at Vs itself. तो Vi is addition of, क्योंकि यहां पे adder है, ये mixer, मतलब this is working as a adder. पॉजिटिव है, मतलब दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक. सो आई कैन राइट वी आई एज वी एस प्लस वी एफ. दिस इज एडिशन ऑफ वी एस प्लस वी एफ, बट वी एफ इज बीटा इंटू वी जीरो, बिकॉज दिस इज द फीडबैक वोल्टेज एंड इट इज ऑप्टेन बाय मल्टीप्लाइंग वी जीरो आउटपुट वोल्टेज बाय सम फैक्टर बीटा. सो लेट अस पुट, यहां पे लिखता हूं मैं, एंड वी एफ इज इक्वल टू बीटा इंटू वी जीरो. देयरफॉर वी आई कैन बी रिटन एज वी एस प्लस बीटा इंटू वी जीरो. वेरी सिंपल, ये वी एस का वैल्यू बीटा इंटू वी जीरो यहां पे पुट किया मैंने. नाउ वी हैव टू रीअरेंज द टर्म्स, लाइक आई कैन राइट वी आई एज वी एस प्लस बीटा. व्हाट आई एम डूइंग, से दिस इज इक्वेशन टू. इक्वेशन टू में ये जो वी जीरो का वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू ये यहां पे पुट करना है. सो इट बिकम्स बीटा इंटू ए इंटू वी आई. सिंपल, ये वी जीरो का वैल्यू जो ए वी आई है यहां पे मैंने पुट किया. लेट अस रीअरेंज द टर्म्स, तो ये ऐसा लिखेंगे वी आई माइनस ए बी. सिंपलिसिटी के लिए मैं ऐसे लिखता हूं ए इंटू बीटा वी आई. ये टर्म LHS में ट्रांसफर किया इज इक्वल्स टू Vs. देयरफॉर दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज बाय टेकिंग Vi कॉमन, 1 माइनस ए बीटा इज इक्वल्स टू Vs. बट Vs इज द सप्लाई वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज. टू वर्क एन एम्पलीफायर एज एन ऑसुलेटर,
we have to make Vs is equals to 0. Therefore, next equation can be written as Vi in the bracket 1 minus A beta is equals to 0. What I did, Vs ka value 0 hona chahiye, matlab input jo hum log amplifier ko apply kar rahe hai, wo 0 hona chahiye. So I have put this condition. This equation indicates that 1 minus, or sorry, A into beta can be written as 1 in simplified language. So if A into beta is equals to 1, then this equation produces 0 result. So this is one of the conditions which is called Bar-Hussein condition. A is open loop gain, beta is the feedback factor. Another condition is that जो फीडबैक हम लोग ले रहे हैं, देखो ये पॉजिटिव फीडबैक है, मतलब इनपुट और आउटपुट शुड बी इन फेज. दैट मींस द फेज शिफ्ट प्रोवाइडेड बाय द सर्किट, प्रोवाइडेड बाय दिस फीडबैक पाथ शुड बी 0 और 360 डिग्री और मल्टीपल्स ऑफ 360 डिग्री. ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो जो वेवफॉर्म है, इनपुट और फीडबैक वेवफॉर्म, दैट विल बी इन फेज विथ ईच अदर. So the two conditions which we call it as Bar-Hussein criteria or Bar-Hussein conditions are, first condition, phase shift must be 0 degree or 360 degree and magnitude of A beta should be greater than or equals to 1. A equals to 1 हमने prove किया. Even if it is slightly greater than 1, then also it is satisfying the required criteria. So what is the conclusion? एक एम्पलीफायर है अपने पास, इट शुड वर्क एज एन ऑसिलेटर. सो दिस टू कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, मतलब इनपुट 0 अप्लाई करना है, पॉजिटिव फीडबैक देना है, एंड फेज शिफ्ट शुड बी 0 और 360 डिग्री और मल्टीपल्स ऑफ 360 डिग्री, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बीटा, ए इज ओपन लूप गेन, बीटा इज द फीडबैक फैक्टर, शुड बी ग्रेटर देन ऑर इक्वल्स टू 1. दिस इज द Bar-Hussein क्राइटेरिया. नेक्स्ट पार्ट इज फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूजिंग MOSFET. First, what is the concept of phase shift? ये जो सर्किट दिखाया है, it consists of three circuits, three RC circuits. So each RC circuit, R is resistor, C is capacitor. हर एक RC circuit, every RC circuit produces a phase shift of 60 degree. Three such RC circuits are used. So this total circuit produces a phase shift of 3 into 60 degree, that is 180 degree. This is placed, this RC circuit, this network is also called as a ladder network. This is placed in the feedback path. देखो ये MOSFET use किया है. This is source terminal, gate terminal, drain terminal. RD is the resistance connected at the drain terminal. VDD is the supply voltage connected to the drain. यहाँ से output generate कर रहे हैं हम लोग. RS is the source resistance, CS is the bypass resistance. ये सब हम लोगों ने पहले के videos में discuss किया है. This particular MOSFET is operating in common source mode, so it produces a phase shift of 180 degree. ये जो network है RC phase shift network, this is called RC phase shift network. It is again producing phase shift of 180 degree. So देखो ये output का connection, it is connected at the input side of this feedback network, that is RC network. At one particular frequency, this circuit produces a phase shift of 180 degree. This RC circuit again produces a phase shift of 180 degree. So total phase shift will be 360 degree, that is 0 degree. So this condition is satisfied. But this happens at one particular frequency at which oscillation starts, or that is called frequency of oscillation. अब इसमें जो gain का एक condition है for this phase shift oscillator, the open loop gain should be greater than or equals to 29, then and then only Bar-Hussein criteria will be satisfied. And the frequency of oscillation is given by the formula 1 by 2 pi RC into 1 by root 6. So, agar ye to theory ho gaya. If numericals are asked, then values of R and C will be given, and simply it will be asked to calculate the frequency of oscillation. You need to draw this diagram and you need to do the calculation. Just by putting value of R and C, you will get the value of frequency. Next part is wind bridge oscillator. So this is the diagram for wind bridge oscillator. Ab dekho, ye jo part hai, this part, it is connected as a feedback element. Matlab is oscillator mein दो MOSFETs यूज कर रहे हैं, MOSFET M1 एंड M2. Each MOSFET produces a phase shift of 180 degree, so total two MOSFETs will produce combined phase shift of 360 degree or 0 degree.
which is the required condition for the oscillation. ये जो नेटवर्क है दिस इज कॉल्ड लीड लैग नेटवर्क. याद कैसे रखना है, देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है आरसी का और एक सीरीज कॉम्बिनेशन है. वन कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज लीड नेटवर्क, अनदर कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज लैग नेटवर्क, सो इट इज लीड लैग नेटवर्क. दो मॉस्फेट यूज कर रहे हैं हम लोग, आरडी वन आरडी टू आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड एट द ड्रेन एंड, आरएस वन आरएस टू रेजिस्टेंस एट सोर्स एंड. ये जो दो मॉस्फेट है दीज आर कपल्ड बाय यूजिंग कपलिंग कैपेसिटर सीसी, सीएस इज द बाईपास कैपेसिटर. अब आउटपुट जो है इस सर्किट का, दिस आउटपुट इज वी जीरो. फ्रॉम दिस आउटपुट द कनेक्शन इज टेकन एंड इट इज अप्लाइड टू दिस लीड लैग नेटवर्क विच इज कनेक्टेड इन द फीडबैक एंड देन दिस फीडबैक इज अप्लाइड एट द इनपुट साइड, दैट इज एट द इनपुट ऑफ मॉस्फेट एम वन. सो द टोटल सर्किट acts as wind bridge oscillator. Now, as we have discussed, the condition of wind bridge oscillator is there should be 0 degree or 360 degree phase shift, which is generated by making use of these two MOSFETs. And another condition is mod of A into beta should be greater than or equals to 1. To satisfy this condition, mod beta, that is feedback factor, should be 1 by 3, then only this condition will be satisfied and the frequency of oscillation is given by F0 is 1 by 2 pi RC. So this is about the wind bridge oscillator. So that's it for unit number 2. So thanks everybody for watching this series and all the best for in-sem exam.